क्या हालात है? बहुत माड़े है। क्या करें? क्या करते हो? मजदूरी करते हो? दिहाड़ीदार। दिहाड़ी मिल रही? कभी लाते कभी नहीं। तो पानी क्या है? पानी गंदा है, ये देख तो रहे हैं। तो शिकायत नहीं की जाके? रेलवे वालों को की, वो कहते हैं कुछ नहीं हमारे पास, बजट नहीं, क्या करें? वो कहते हैं बजट नहीं। बादशाह नहीं आता यहाँ पे? कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आ रहा। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। क्या हालात है? 55,000 बिल है, ना बिल का 15,000 का है। बिल वाले नहीं आ रहे, पानी भी गंदा ही है, 2 महीने हो गए पानी गंदे नहीं है। कौन ये पानी आ रहा है? जी सर, पानी आ रहा है। ये इधर पानी का हालात है। और सर ये पिछले एक मंथ से यही हमारे जो इलाके के हैं ये ताशा चल रहे हैं। यहाँ तक कि हम इलाके के DS के पास गए हैं, EM के पास गए हैं, IW के पास गए हैं। जो भी सर बंदा जाता है जी, कभी DS नहीं बैठा हुआ, कभी DA नहीं बैठा हुआ, यही मसाइल चल रहे हैं। इस पानी को सर ये देखिए, पीने के लायक है? बच्चे यहाँ जो बीमारियों के सर शिकार हो चुके हैं, आए दिन हमारे ना हमारे पास कोई खाने के लिए हम पानी यूज़ कर सकते हैं, ना इसको नहाने के लिए। और यहाँ आप यकीन करें, आए दिन कोई ना कोई बच्चा जो है, बड़ा जो बुजुर्ग है हमारे, वो कोई ना कोई बीमारी का शिकार। बीमार तो होना ही है जी सर। और आप ये देखें कि हम ऊपर बाले सरकार तक भी साहब दरखास्तें वगैरह भी देख के आ चुके हैं। ये जितनी खवातीन खड़ी हैं, इतने हम बंदों को वहाँ लेके गए हैं, लेकिन ये वासा का इलाका नहीं बनता। नहीं सर, ये वासा का, ये रेलवे है, तो यहाँ पे रेलवे ने ही निजाम देख जी सर, क्योंकि तो वो आपकी नहीं सुन रहा। नहीं सर, वो रेलवे, हालांकि ये रेलवे क्वार्टर, यहाँ पे रेलवे के मुलाजम रहते हैं। जी बिल्कुल सर। तो अपने मुलाजमों के लिए कुछ नहीं? नहीं सर, कुछ नहीं कर रहा रेलवे यार सर, कोई भी फैसिलिटी नहीं हमें यहाँ। यहाँ ये बिजली का निजाम देख लगे, ये मीटर लगे हैं तो उनका भी कोई निजाम, पानी का तो वो कोई निजाम नहीं है यहाँ। यहाँ तक ये अपने कोई वर्कर की भी इनकी अहमियत नहीं, तो बाकी उन्होंने क्या करना है इधर? ये इन्होंने तासर बना दिए हुए इलाके के। तो फिर आप गुजारा कैसे कर रहे हैं? सर गुजारा बस यहाँ से पानी कोई 1 किलोमीटर दूर जाते हैं, फिल्टर है वहाँ से पानी भर के लाते हैं, उसके लिए हम मांडियों वगैरह के लिए पानी वगैरह यूज़ करते हैं। इसी तरह निज़ाम चल रही है, जिंदगी धर्म भरम ही हुआ। आप क्या काम करते हैं? मैं सर हमारा प्राइवेट कंपनी है, उधर काम करता हूँ। और रेलवे में कौन है आपका? रेलवे में वाली साहब है सर। तो आपने जब सुबह दफ्तर जाना होता है जी, तो मुसीबत नहीं पड़ती? सर मुसीबत है इसी तरह के, कोई खाने वगैरह की चीज़ भी यहाँ तक हम वैसे हायर कर रहे हैं, क्योंकि सुबह नाश्ते के लिए तो होता नहीं है पानी, फिर काम से आते हैं पानी वगैरह हायर करते हैं तो फिर खाना बनता है। बच्चे बीमार नहीं हो रहे? सर हो रहे हैं बीमार, मैं कह रहा हूँ आए दिन कोई ना कोई बच्चा बीमार होता है हमारे यहाँ। ये कैसे गुजारा कर रहे हैं? ये देखे पानी का, दो माह हो गए इस बात को, कोई भी नहीं सुन रहा। ये खुद मिट्टी तो नहीं डाल दी? नहीं भाई, उसको देखे जाके मिट्टी नहीं डाली। जितनी मिट्टी देखे ना, जितनी मिट्टी है लग तो असर है, सारी खुद ही डाल दी है। घरों से ये टप उठाक लाए हैं लोग, ये घरों के अंदर से ऊपर ऊपर से पानी निकालते हैं ना, तो नीचे से ये होता। मेरी गाल सुनो, तुसी थोड़ी देर वास्ते ने थकलो जा, हुन ही पानी आण वाला। मैं इधर ही हूं, बस पानी आण वाला, तुसी पानी देखना आ, टप्पा टप्पा नु तुसी छोड़ दो, दबा करो ये तो नीचे बैठ जाती है ना बेटे। सिर्फ पानी देखना जड़ा नलके आ चो आंदा, और कुछ नहीं। हुने तानू दहा ये देखे जरा मनाजर दिखाए जी, ये जो मिट्टी और रेत है बेसिकली, ये जो साथ आ रही है निकल रही है, और इसकी ये बाजार तो लगता है ऐसे जैसे ये खुद ही डाल दी, इतनी कट्ठी की है कि उसमें डाल दी और इसी में पानी डाल दिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये वाकई ऐसा पानी आ रहा है। बारी बारी ताकि समझ भी आए बात, वाकई ऐसा पानी आ रहा है। तो फिर गुजारा कैसे है? बस गुजारा है, कैसे गुजारा है? कैसे गुजारा है? फिल्टर से भाई ले आते हैं उससे, बस काम चलाने से, जब नहाते हैं तो इस गंदे पानी से सारे। ये आपके बच्चे हैं? हाँ जी। क्या नाम है? अम्मिका। मेरा नाम दानिका। तो स्कूल जाती हो? कौन सी क्लास से पढ़ती हो? प्रेप में। स्कूल खुलने वाले हैं? तो अब जब स्कूल खुलेंगे और बच्चों को सुबह स्कूल भेजना होगा, तो कैसे माएँ तैयार कराएंगी? फिर फिल्टर चलाएंगे, गंदा यूज कर रहे हैं, गंदा यूज कर रहे हैं और फिर क्या करें?